खबरों में बात करते हैं स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई खबर की। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के पूरे मामले में विभव को मुंबई लेकर जा रही है पुलिस। विभव पर मुंबई में फोन फॉर्मेट करने का आरोप लगा और इस बीच जांच के लिए मुंबई लेकर फिलहाल पुलिस जा रही है। आपको बता दें कि विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए, जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद, साथ साथ में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, उनके द्वारा मारपीट के बदसलूकी के आरोप लगाए गए। उनका मेडिकल टेस्ट बाद में होता है। इन तमाम आरोपों के बाद में विभव की गिरफ्तारी होती है। पुलिस रिमांड पर विभव को भेजा जाता है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। हर एंगल के साथ में आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल विभव के ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपना फोन फॉर्मेट किया जिसमें कई सारे अहम सबूत हो सकते हैं, और इसी पहलू को मद्देनजर रखकर यहां पर पुलिस आगे की छानबीन करती हुई नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का पूरा मामला मुंबई फिलहाल विभव को लेकर जाया जा रहा है। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ में सुरेश झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मुंबई लेकर जाया जा रहा है? कितनी देर में मुंबई लेकर टीम रवाना होने वाली है विभव को? जी बिल्कुल, अब विभव से जो पूछताछ यहाँ पे हुई है उस आधार पर, क्योंकि उसका जो फोन था आईफोन उसने फॉर्मेट किया था मुंबई में जाके, तो अब दिल्ली पुलिस उसको यहाँ से मुंबई लेके जाने वाली है। यहाँ से टीम निकलने वाली है, उनको मुंबई लेके जाया जाएगा जहाँ पे उन्होंने अपने फॉर्मेट किया था फोन को। उस फोन को वहाँ से रिकवर किया, मतलब फोन जो फुटेज थी उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर उनको मुंबई ले जाने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। अच्छा सुरेश, एग्जैक्टली कौन से वीडियोज बताए जा रहे हैं जो की विभव के द्वारा फॉर्मेट किए गए थे? क्या वीडियो डिलीट करे थे विभव ने या फिर पूरा फोन ही फॉर्मेट कर दिया था? इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ अपडेट दी गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो कुछ जो वीडियो जो आए हैं, उसने अपने मोबाइल से जो कुछ वीडियो बनाए थे जिसको आप पार्टी तरफ से वायरल भी किया गया था, और वो वीडियो खुद जो है विभव तरफ से बनाए गए थे। तो विभव जो है, जो ये दो दिन जो विभव इस घटना के बाद जो दो दिन गायब रहा था, वो मुंबई गया और मुंबई में उसने अपने फोन को, जो आईफोन लेटेस्ट फोन था आईफोन 15, उसको उसने फॉर्मेट किया। तो पुलिस को शक है कि जो मारपीट का जो वीडियो था उसको विभव ने फॉर्मेट कर दिया। तो पुलिस उसको वहां लेके जाएगी जहां पे उसने अपने फोन को फॉर्मेट किया गया है, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी और एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि विभव जो अभी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इसमें अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमराज भी लगे होते हैं, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब तो एसआईटी का भी गठन कर दिया गया, ऐसे में सीसीटीवी फुटेज से क्या कुछ खुलासा हो पाया है, कुछ अंदर से खबर आपके पास? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो थी उसको लेके ये खुलासा किया है कि वहाँ पर जो कुछ उस दौरान जो 9 बजे करीब वहाँ स्वाति मालीवाल सीएम आवास में पहुँची थी, उस दौरान की कुछ फुटेज जो है डिलीट की गई है। कुछ फुटेज हैं जिनको आप पार्टी तरफ से रिलीज किया गया था जिसमें कहीं ना कहीं उसमें झगड़ा दिखाया गया था, और आपको बता दें कि जो झगड़े की जो फुटेज है वो फुटेज जो है विभव के मोबाइल पर से बनाया गया था, जिसको रिकवर दोबारा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी जो वीडियो हैं उस दौरान की मारपीट के दौरान की, वो वीडियो डिलीट की गई है। बाकी जो वीडियो हैं वो एटीज हैं जो वायरल भी हुई हैं। तो पुलिस की कोशिश ये है कि उसके फोन को जो फॉर्मेट किया है, उसके फोन को रिकवर किया जाए, उसमें जो वीडियो था उसको रिकवर किया जाए। और आपको ये बता दें कि जहां पे झगड़ा हुआ है, ये जो ड्राइंग रूम था जहां पे झगड़ा हुआ था, वहां पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। तो पुलिस ने जो जहां से एंट्री होती है सेवावास के अंदर और जो आसपास का जो वीडियो है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज जो उस मिनटों की जो थी, जो 9 बजे से लेकर जो जब से घटना हुई है उस दौरान की कुछ वीडियो जो है वो डिलीट की गई है। तभी दिल्ली पुलिस ने जो डीवीआर अपने साथ ले गई है, उस डीवीआर को एफएसएल भेजा गया है जहां पर उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। जी अच्छा सुरेश, बड़ी बात यह कि जैसा कि आप बता रहे थे कि आईफोन 15 वो मोबाइल फोन था जिसमें से वीडियोस को डिलीट किया गया, जिसमें से डेटा को फॉर्मेट किया गया है, ऐसा इस मामला हम पहले भी चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ था, जब उन्होंने फोन के पासवर्ड भूलने के लिए कहा था कि मैं भूल गया हूं, और उसके बाद एप्पल को चिट्ठी लिखी गई थी जिसके बाद एप्पल ने मना कर दिया था कि हम ऐसे फोन नहीं खोल सकते क्योंकि एक एप्पल होल्डर की प्राइवेसी का सवाल होता है। ऐसे में क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आने वाला है? जी बिल्कुल सही कहा, जो वैभव हैं उन्होंने जब इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो भागे थे, तो भागे इसलिए थे कि उन्होंने 2 दिन तक जो तमाम जो सबूत थे उसको नष्ट किया। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सीएम आवास के अंदर, जो उच्च वीडियो था उसको नष्ट किया गया। यानी आप देखिए पूरे घटनाक्रम के अंदर कि किस तरीके से जो एविडेंस है, जो सबूत थे उनको मिटाया गया। और आपको एक बात ये बता दें
कि विभव जो था उनका निजी सचिव था, दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको निजी जो सचिव के पद से बर्खास्त कर दिया था, उसको सरकारी आलिशान बंगला मिला हुआ था चंद्रावल में, वो भी छीन लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी विभव जो है सरकारी आवास यानी सीएम के सरकारी आवास में उनके साथ रह रहा था। और जिस दिन स्वाति मालीवाल मिलने के लिए गई थी यानी 13 मई को, उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद था। यानी पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए, अगर बारीकी से समझा जाए तो विभव के इस पूरे एक माइंड को देखा जाए तो विभव ने इस घटना को अंजाम देने के बाद पूरी बारीकी से एक एक करके तमाम जो सबूत जो हैं वो हटा दिए, डिलीट कर दिए, निष्पक्ष जांच लगातार उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन सबूतों को मिटाना, सीसीटीवी वीडियोस का ना मिलना, बीच में गैप मिलना, उसके बाद जो स्वाति मालीवाल की पक्ष की तरफ के लोग उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि वीडियोस को एडिट किया गया और उसमें से कुछ सेगमेंट हटाया गया, जो वीडियोस रिलीज किए उनके बारे में भी आरोप लग रहे हैं, ऐसे में फिर विभव का मुंबई जाकर वीडियोस को डिलीट करना, फोन को फॉर्मेट करना, इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? अगर वाकई में सभी आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, तो क्या कुछ पुलिस का कहना है इसमें? देखिए, पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि जो गिरफ्तार हुए विभव, वो लगातार पूछताछ में पुलिस को तनिक भी थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस उनसे कुछ पूछना चाहती है, पुलिस उनसे जानना चाहती है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, ये तमाम चीजें उनसे जाने को। चलिए ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।